एक सिग्निफिकेंट फैसला था जो सिंध हाई कोर्ट का और वो ये था कि जी जो पिछले कुछ अरसे में इंटरनेट बहुत बन, बहुत दिनों बंद रहा है बंद नहीं रहा तो स्लो रहा है कुछ, कुछ लोगों को कंप्लीट बेसिकली स्मूथ आपको सर्विस नहीं मिलती रही है तो मेजर मेजर आउट क्या कहते हैं ये <coughs> मैसिव

तो उसके खिलाफ उन्होंने एक पिटिशन की हुई थी कि जी आवाम को एक स्मूथ इंटरनेट सप्लाई मिलनी चाहिए तो आ, उसके हवाले से कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि भाई उन्होंने गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया है कि कम से कम इलेक्शंस तक 8 फरवरी तक स्मूथ अन इंटरप्टिड इंटरनेट सप्लाई मिलनी चाहिए लोगों को ताकि इलेक्शंस का जो प्रोसेस आ रहा है उसमें नॉट जस्ट अवाम बट के कैंडिडेट्स को भी इससे आ, वो फायदा होगा बिकॉज वो एक्सेस कर सकेंगे इलेक्शन कैंपेन्स लोगों की और जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी इलेक्शन इलेक्शन कैंपेन्स कर पाएंगे क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है हर चीज एक्सेसिबल है वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर है तो अच्छा देखना तो ये होगा उन्होंने एक लीगल

कि उन्होंने कहा था कि जी इंटरनेट जो सर्विसेज है उनकी डिस्ट्रप्शन से उनकी डिसकन्टिन्यूएशन से हुँ. उनकी तरह और बाकी सारे कैंडिडेट्स की भी इलेक्शन कैंपेन जो है वो हैम्पर हो रही है ताकि उनके सारे वो उनकी जो वोटर्स हैं उन तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच रही है उनको एक्सेस ही नहीं है किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन का तो वो किस तरह से जजमेंट कर पाएंगे हुँ. और ये अभी तो तीन डेट से हमने जिक्र किया उसमें तो ये हो ही रहा था उसके बाद भी हमें नहीं पता था कि अभी मजीद होगा कि नहीं होगा क्योंकि जिस तरह आपने बात की कि पीटीए के डीजी ने कहा था कि ये डिस्ट्रप्शन रहेगी दो तीन महीने तक तो आई थिंक उसको कर्व करने करने के लिए मेरे और उनके हाँ उनके जो जो टोन थी एक एक, एक कन्वे करने का कार था वो था। मुझे बड़ा के के हो रहा था। भी जाए ये अमल दरामद होगा कि नहीं इस पे अच्छा इलेक्शन की बात की जाए तो साथ ही मैं जैसे पंजाब गवर्नमेंट की बिल्कुल तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने इलेक्शन के हवाले से चार इशारिये आठ अरब रुपए जारी किए हैं जिसमें लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए उन्होंने एक बजट मुख्त किया है जिसमें तकरीबन तीन अरब रुपए जो सिक्योरिटी हमारे पर्सनल हैं आर्मी है रेंजर है उनके एक्सपेंस के लिए जाएंगे और सी सी के लिए जाएंगे उसके अलावा एडिशनल जो इनकी लॉजिस्टिक वगैरह सपोर्ट है उन पर जाएंगे और साथ एक अशरिया जो पचास बिलियन रुपए हैं वो मुख्त किए गए हैं कि पोलिंग स्टेशन पे जो सी सी कैमरा है और वहाँ पे जो पोलिंग स्टाफ है उनकी एक्सपेंस के लिए मुख्त किया गया उसके साथ पाँच मिलियन एडिशनल uh, एक्सरसाइज़ जो हो रही हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रही हैं या फिर टीचर्स की साथ हम देखते हैं ट्रेनिंग वगैरह हो रही है पोलिंग स्टेशन के हवाले से तो 500 मिलियन रुपए उस पर मुख्त किए गए हैं तीन आ, अरब रुपए सिक्योरिटी पर्सनल जो हमारे रेंजर्स वगैरह हैं उनके एक्सपेंस के लिए और उसमें एक शरिया पचास किए गए हैं पोलिंग स्टेशन पर जो अमला मौजूद होता है एट द डे ऑफ पोलिंग जो एक्सपेंस आएगा उसको कवर करने के लिए और साथ ये भी बताया गया है कि पुलिस को भी एक शरिया एक नौ तीन बिलियन रुपए जारी किए गए हैं ताकि एक तो आर्म फोर्सेस तो हैं हैं ही साथ जो हमारे सिविल इधारे हैं उनकी एक्सपेंस को भी ड्यूरिंग इलेक्शन स्मूथ उनको बनाने के लिए भी एक शरिया एक नौ बिलियन डॉलर मुख्त किए गए सवा दो लाख के करीब जो है वो सिक्योरिटी जिसमें पुलिस भी है आर्मी रेंजर्स तीनों रेंजेस के करीब लोग हैं जो पूरे पंजाब में सिविल एंड आर्म बिल्कुल अच्छा आपने पंजाब गवर्नमेंट की बात की है hmm. तो पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले दिनों एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है और वो ये है कि जो मजदूर लोग हैं उनको ट्रैवल की जो फैसिलिटी है उसको मजीद एफिशेंट करने के लिए उनको मजीद आ, इन, क्या करने के लिए उनको स्मूथ करने के लिए डिसेबल जो फिजिकली डिसेबल दिसे, hmm. लोग हैं उनको कंसेशन hmm. ऑफर किए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने Mass transit systems. Hmm. तो उसमें जो आ, जो कंसेशन है ये एक नई पंजाब ने इंट्रोड्यूस जिसके थ्रू वो कार्ड इशू करेंगे इन लोगों को। होंगे जो आपको बनवाने पड़ेंगे ये अपने वेलफेयर डिपार्टमेंट से और ये उन्हीं को इशू होंगे जिनके पास गवर्नमेंट का जारी करता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा

पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीडियम्स हैं उनमें 50 परसेंट डिस्काउंट होगा इंडिया अच्छा ये ट्रांसपोर्ट मीडियम्स कौन कौन सा है मैच ट्रांजट में इंटरेस्टिंग बसे, मेट्रो बसेस हो गई स्पीडो स्पीडो वगैरह एक्जैक्टली exactly. जितनी मैट ट्रांजट की जो मोड्स हैं उन सब में इन पास अगर मैच ट्रांजिट की बात की जाए अगर पंजाब की बात करें तो मेरे ख्याल में फैसलाबाद में तो नहीं है लाहौर में या मुल्तान में मेजर सिटीज में है मेजर सिटीज़ में बिल्कुल दो तीन ही है दो तीन एग्जैक्टली तो उनमें उनमेंट की जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मीडियम लोगों को अच्छा मैं इसमें ऐड ऑन ये करूँ पे तो मैं सफर करता रहता हूँ वहाँ पे क्योंकि ऑफिस वगैरह और यहाँ पे घर से मेन मेरा रास्ता वही है तो उसमें अभी तक जो फ्री फैसिलिटेशन दी गई है फ्री फैसिलिटी दी गई है स्टूडेंट्स को दी गई है वो इसमें आपको स्टूडेंट अपना कार्ड दिखाएं कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं कार्ड दिखाएं और नहीं। नहीं। वहाँ पे आपको जो फ्री जो ऑरेंज ट्रेन का है वो टोकन मिल जाएगा और ये अच्छी बात है कि आपने एक स्पेशल कोटा है जहाँ स्टूडेंट्स के लिए मुख्त किया था साथ आपने डिसेबल अफराद के लिए भी कर दिया बट क्या इसे स्टूडेंट्स के लिए था फ्री है और किसी के लिए नहीं सी अभी सुदंस अभी फिलहाल स्टूडेंट्स के लिए था जी अच्छा ये अब डिसेबल पर्सन की बात कर ली जाए तो दो या तीन माह पहले शरियार अगर आपको याद हो काफ़ी वीडियोस वायरल हुई थी और काफ़ी एक हजीमत का सामना करना पड़ा था मैं एज ए पाकिस्तानी जब हमने ये देखा था कि ट्विटर पे काफी वीडियो ट्रेंड कर रही थी कि यहाँ से लोग उमरे की नीयत से जाते हैं या फिर कारोबार की नियत से जाते हैं सऊदी अरब वगैरह में तो वहाँ पे जाके अपना जो बैगर बन जाते हैं वहाँ पे बीग बीक वगैरह मांगना शुरू कर गा वगैरह बन जाते हैं वहाँ पे हुँ। तो ये काफी वीडियो वायरल हुई और इस हवाले से काफी एक्शन भी लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से तो हजारों लोग वगैरह लोगोर्ट की गए और इसी हवाले से एक जो रेलिवेंट मिनिस्ट्री है उसने पार्लियामेंट्री पैनल जो था उसकी मीटिंग हुई उसमें बताया कि ढाई uh, साल के अरसे में पिछले ढाई साल में चुड़तास हज़ार के करीब ऐसे लोग डिपोर्ट किए गए हैं जो सऊदिया पे ट्रैवल कर रहे थे जिनकी नीयत ही सिर्फ यही थी कि वहाँ पे जा उन्होंने एक मुल्क की इमेज ख़राब करनी है और भीख मांगनी है वहाँ so पे उम्र के वीज़ा पे जा रहे थे उमरे के वीज़ा पे, पे जा रहे थे भीख मांगने के लिए जा रहे थे वहाँ पर तो उसमें साथ ये भी बताया गया है कि साथ जो उसमें जो पार्लियामेंट्री पैनल था उसमें फॉरन मिनिस्ट्री भी थी साथ नादर के ऑफिशियल्स भी थे तो की, कमेटी मीटिंग थी पूरी कमेटी मीटिंग थी उसमें पार्लियामेंट्री जो पैनल है उसने डायरेक्ट किया है फॉरेन ऑफिस को आप प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस करें जिसके बाद ये जो एक मुल्क को एक जो इमेज है उसको नुकसान पहुंचाने वाले हुँ। जो अफराद हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जाए और साथ ऑफिशल्स को यह भी कहा गया कि भाई उनके नादर ऑफिशल को कि को जैसे ही ये ऑफिशियल मिले तो आप उनके जो फॉरन जो पासपोर्ट है या फिर उसके आइडेंटिटी कार्ड है वो ब्लॉक करें ताकि उनको एक सजा मिले और उनको सबक सिखाया जा सके अच्छा हम ये ओवरसीज ट्रैवल की तो हमने बात की है इसमें कुछ लोग <coughs> जाहिर से मतलब क्या मतलब क्या होते हैं जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाते हैं काम करने के लिए वो रेमिटेंसेस भेजते हैं वो जो बैक होम